हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेहतरीन होंगे। आज का एक टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। टॉपिक ये है कि यार, सीएस करने के बाद आप सब लोग बहुत इच्छा से सीएस करते हैं, बहुत पूरे मन से सीएस करते हैं और पढ़ाई भी बहुत कर रहे हो। कई बार तो ऐसा मन में ख्याल आता है, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे ही मन में ख्याल आता था कि यार, हम लोग इतनी मेहनत से सीएस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, सारा दिन रात सब बराबर कर देते हैं, चेहरे के अंदर डार्क सर्कल आ गए, आँख के नीचे चेहरा ख़राब हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, साला इतनी पढ़ाई करने के बाद जॉब लगता है क्या? दुष्यंत सर तो बड़ी बातें करते हैं कि यार, इतने का पैकेज लग जाएगा, उतने का पैकेज लग जाएगा। मैंने तो 11th क्लास में ही सोच लिया था कि सीएस करूंगा। तो कितने टाइम के अंदर जॉब लगता है, जॉब सर्च का एक्सपीरियंस कैसा होता है? इनफैक्ट ये वीडियो मैं चाहता हूँ स्पेशली सारे बच्चे देखें, सीएसईटी वाले बच्चे देखें। सो बच्चों, सीधी सी बात है, जैसे कि आप सबको पता है, 21 मंथ्स का पीरियड जो है सीएस एग्जीक्यूटिव करने के बाद आपका आर्टिकलशिप का होता है, ठीक है? वो आर्टिकलशिप आप चाहें तो कंपनी में भी कर सकते हैं और किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास भी कर सकते हैं, ठीक है? इवन मैंने भी रिलायंस में, भगवान की कृपा से मुझे भी आर्टिकलशिप रिलायंस में करने का मौका मिला। सो मैं भी आप लोगों की तरह बहुत पागल था कि यार जॉब करना है, क्योंकि पैसे की तंगी बहुत थी, पैसे कमाने की इच्छा बहुत थी, हीरो होंडा करिश्मा खरीदनी थी, येलो कलर की, नहीं सॉरी 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 हाँ, हीरो होंडा करिश्मा खरीदनी थी हमको, एक येलो कलर की। सर एनीवे, सो जॉब कितने टाइम के अंदर लगता है सीएस करने के बाद? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर आप कर सकते हैं, यहाँ पे मैं हमेशा हार्ड वर्क बोलता हूँ, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर आप कर सकते हैं, सो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, जैसे कि अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद आर्टिकलशिप करते हैं, और मैं तो यही बोलता हूँ कि एग्जीक्यूटिव के बाद अगर आर्टिकलशिप शुरू की तो ज़्यादा अच्छा है, कि 21 मंथ्स का पीरियड है, तो आप 21 मंथ्स के पीरियड में आप अपना सीएस फाइनल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? सो आपकी आर्टिकलशिप मान लीजिए 21 मंथ्स हैं, 21 मतलब आप तीन तीन मतलब 6 6 महीने में अगर अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के, मतलब जून में अपने, जून 2021 में मान लीजिए अपन ने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, सो जून 2022 में अपन फाइनल के 3 पेपर दे सकते हैं, दिसंबर 2022 में फाइनल के 3 पेपर दे सकते हैं, और जून 2023 में अपन 3 पेपर दे सकते हैं। तो अपन अगर एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, सो मान लीजिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि 21 महीने की जो आर्टिकलशिप है, जो 21 महीने की आर्टिकलशिप है वो हो गई अपनी कंप्लीट, ठीक है? तो बच्चों, आपकी आर्टिकलशिप जब खत्म होगी तो मेरे हिसाब से, मैं ये मान रहा हूँ कि आपके पास कहीं ना कहीं सीएस की डिग्री आ जाएगी, आने वाली होगी। सो आर्टिकलशिप खत्म होने के पहले, और जो बच्चे अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे, जो पुराने स्ट्रक्चर के अंदर आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो आर्टिकलशिप के जो आपके आखिरी के 3 महीने रहते हैं ना, उस 3 महीने में आपको एकदम खतरनाक वाला स्किल डेवलप करना है। स्किल क्या डेवलप करना है? तो आपको आखिरी के 3 महीने में ना कंपनी लॉ एकदम ब्रशअप करना है। कंपनी लॉ के स्पेशली कौन से प्रोविजन? डायरेक्टर्स के प्रोविजन, मीटिंग्स के प्रोविजन, ऑडिटर्स के प्रोविजन और शेयर कैपिटल के प्रोविजन, इन प्रोविजन्स को एकदम अच्छे से करना है। प्लस सेबी का LODR रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, ये एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है? अच्छे से पढ़ना है आपको आखिरी के 3 महीने में। सुबह जल्दी उठने का आदत डालो, सुबह पढ़ के सिर्फ रीड करना है अपने को। उसके बाद ये आखिरी के जो 3 महीने, इसमें आपको Naukri.com, आपका जितने भी .com है, Monster.com, हमारे टाइम पे Naukri.com था, Monster.com था, मुझे सबसे अच्छे ऑफर आते थे TimesJob.com से, मतलब जो मेरा NSDL में सिलेक्शन हुआ, प्रकाश इंडस्ट्री में सिलेक्शन हुआ, मक्वायरी से जो मुझे कॉल आया, ये तीनों मुझे TimesJob.com से है, ठीक है? सो यहाँ पे तीनों जगह पे आप अपने रिज्यूमे डाल दीजिए। आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, अभी भी आपके 3 महीने की आर्टिकलशिप बची है, खटाक से बच्चों इन 3 महीने, मतलब 3 महीने में कहीं ना कहीं, और आप जो जॉब लोकेशन होता है उसको लेकर काफ़ी फ्लेक्सिबल रहे, मतलब यू कैन पुट मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, आप मतलब, और लिख सकते हैं रिज्यूमे Naukri.com में कि भाई हम फ्री हैं जॉब लोकेशन के चलते, और जितनी भी वेब जॉब साइट्स हैं उसमें से किसी एक जॉब साइट में आप ना पेड मेंबरशिप लीजिए। पेड मेंबरशिप मतलब वो 3 या 3.5 हज़ार रुपये लगते हैं, या दो जॉब वेबसाइट्स का पेड मेंबरशिप ले लीजिए। पेड मेंबरशिप में क्या होता है, आपको बहुत अच्छे जॉब के ऑफर्स आते हैं और आपका जो रिज्यूमे है वो सबसे पहले नंबर पे कंपनी को भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए, बिलीव कीजिए बच्चों, बिलीव कीजिए, मतलब मैं आपके सामने, आज आपके सामने बैठा हूँ, मैंने रिलायंस में जॉब करी है, मतलब आर्टिकलशिप करी है, NSDL गवर्नमेंट जॉब, एक तरह की गवर्नमेंट कंपनी थी, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पर जॉब किया, हालांकि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है वो गवर्नमेंट कंपनी, बट इनडायरेक्टली कंट्रोल उसका गवर्नमेंट के पास है। देन मैंने प्रकाश इंडस्ट्रीज में जॉब किया है और मक्वायरी में मैं सिलेक्ट हुआ था, हालांकि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। सो बच्चों, मैंने 25 फरवरी 2008 को मैं सीएस का रिजल्ट आया था, 7 मार्च को मैंने पहली बार, मतलब रिलायंस में, 7 या 11 मार्च को मैंने रिलायंस में ज्वाइन किया था। मैंने शायद आपको अपना ऑफर लेटर भी दिखाया रिलायंस का। तो उस डेट से लेके आज मैं आपके सामने बैठा हूँ बच्चों, कभी भी ऐसा दिन नहीं आया जब मेरे पास जॉब की कमी रही हो या जॉब मैंने खाली बैठा हूँ, ठीक है? मैंने जो एक बार पैसे कमाना शुरू किया है,
फ्रॉम 7th और 11th मार्च 2008 वट एवर द डेट मे बी, उस दिन से लेकर आज तक बच्चों मैंने सिर्फ मैंने पैसे कमाए हैं और मैं खाली कभी भी नहीं बैठा हूँ। सिर्फ एक ही कारण है उसका कि मैं हमेशा जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहा हूँ, अजाइल रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मैं भागम भागम भागी किया है बच्चों। मैंने एक दिन में तीन तीन इंटरव्यू दिए, सुबह HSBC एसेट मैनेजमेंट में इंटरव्यू दिया है, दोपहर को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में इंटरव्यू दिया है, एक्सा ग्रुप में इंटरव्यू दिया है, उसके बाद मैंने HDFC बैंक में इंटरव्यू दिया। तो मैंने ऐसे ऐसे भी इंटरव्यूज दिए हैं क्योंकि, और कभी भी बच्चों कम से कम हमारे कोर्स में इतना अच्छा जादू है कि आपको इंटरव्यू के कॉल्स आती रहते हैं। थोड़ा सा लोकेशन को लेकर फ्लेक्सिबल है ना, मुंबई में बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, तो कॉल सबसे ज़्यादा वहाँ पे आते हैं। सो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको काफ़ी काम आएगा, उन बच्चों के खासकर ज़्यादा काम आएगा जो बच्चे अपनी आर्टिकलशिप करके जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। और वो इंस्टीट्यूट के जितने प्रोग्राम है वो भी आप कर लेंगे धीरे धीरे, एक बार जॉब में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ बच्चों। थैंक यू।